नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप सब देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबका इस चैनल पर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की जो वीडियो है, ये वीडियो कौन बनेगा करोड़पति यानी हिंदी केबीसीसी के संदर्भ में ही है। इसके पहले के एक वीडियो में हमने टर्म्स एंड कंडीशंस बताए हुए थे शॉर्ट में रजिस्ट्रेशन के संबंध में, और मैंने बोला था कि जब रजिस्ट्रेशन का बैनर वगैरह आ जाएगा उसके बाद या रजिस्ट्रेशन के दिन मैं जो है रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट प्रोसेस बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, उसी के संदर्भ में वीडियो है। कल मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस पर जब वीडियो बनाया था उसी वक्त एक्चुअली जो कौन बनेगा करोड़पति में रजिस्ट्रेशन के लिए जो बैनर है वह भी सोनी लिव एप्लीकेशन पर आ गया था, परंतु जानबूझकर मैंने कल वीडियो नहीं बनाया हूँ, पर ये वीडियो आज मैं दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको सोनी लिव एप्लीकेशन पर कौन बनेगा करोड़पति के माध्यम, मतलब सोनी लिव एप्लीकेशन के माध्यम से कौन बनेगा करोड़पति के लिए अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए क्या पूरी प्रोसेस है वो इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और मैं जैसा कि इसके पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, रजिस्ट्रेशन आप दो माध्यमों में से किसी भी एक मोड का इस्तेमाल करके या दोनों मोड का इस्तेमाल करके भी आप कर सकते हैं, एक SMS और दूसरी सोनी लिव एप्लीकेशन। तो पहले सोनी लिव एप्लीकेशन का बता देता हूँ मैं आपको। अगर आपके फ़ोन में सोनी लिव एप्लीकेशन नहीं होगा तो आपको आपके अगर आईफोन यूज़ करते हो तो आईफोन के एप्पल ऐप स्टोर से, या फिर अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो एंड्रॉयड का जो होता है एंड्रॉयड प्ले स्टोर, उससे आपको सोनी लिव एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल कर देना है। दोस्तों, जब आप पहली बार यहाँ पे सोनी लिव प्ले स्टोर में लिंक मतलब सर्च करेंगे या सोनी लिव खोलेंगे तो आपको ये लोगो वाला एप्लीकेशन सर्च करना है, देखना है। अगर आपके फ़ोन में यह ऐप है ही नहीं तो इंस्टॉल लिखा हुआ दिखेगा आपको ओपन की जगह पे, वहाँ पे उस पर क्लिक करके इंस्टॉल करना होगा। अगर आपके पास में ऑलरेडी सोनी लिव एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है परंतु अपडेट अगर नहीं है, पुराना वर्जन है, तो यहाँ पे अपडेट लिखा हुआ दिखेगा, आपको अपडेट करना होगा। और क्योंकि मेरे पास में जो सोनी लिव एप्लीकेशन है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और अपडेटेड भी है करके मुझे ओपन दिख रहा है, हम यहाँ से भी अब ओपन कर सकते हैं यहाँ पर हम, या फिर हमारा जो सोनी लिव एप्लीकेशन जो हमारे ऐप ड्रॉवर से भी हम ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सीधे सीधे रजिस्टर नाउ वाला ही बैनर है। अभी आपको शायद स्क्रीन पर मैंने सोनी लिव एप्लीकेशन खोला हूँ, पर सोनी लिव एप्लीकेशन का जो होम पेज है वह स्क्रीन रिकॉर्डिंग को सपोर्ट नहीं करता और इस वजह से शायद आपको ब्लैंक स्क्रीन दिख रही होगी। आपको होम स्क्रीन पर से क्या करना होगा, आपको कुछ शोज के बैनर वगैरह आ जाएंगे, तो आपको सबसे पहले तो अगर आप नया सोनी लिव एप्लीकेशन नया अगर आपने इंस्टॉल करके रखे हो तो आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालकर सोनी लिव एप्लीकेशन पर आपको एक बार रजिस्टर करना है। मैं सोनी लिव एप्लीकेशन बता दिया, या अभी हम सोनी लिव एप्लीकेशन पर रजिस्टर नहीं, लॉग इन कहना ज़्यादा उचित होगा, लॉग इन या साइन इन करना होगा। अगर आप पहली बार ही एकदम है तो साइन अप भी कर सकते हो, साइन अप साइन इन या लॉग इन आप ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाल के करना होगा। उसके बाद आपको होम स्क्रीन पर जो शोज के नाम या बैनर दिखाई देंगे उनको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, स्लाइड करना है एक्चुअली लेफ्ट साइड की तरफ, तो आपको कौन बनेगा करोड़पति का रजिस्टर नाउ वाला बैनर दिखेगा, अमिताभ बच्चन जी वाला, या फिर रजिस्टर करे करके हिंदी में लिखा हुआ, उस यहाँ पे रजिस्टर नाउ बटन पे क्लिक करना है। अगर आपको बैनर होम स्क्रीन पर नहीं दिखता सपोज, तो सर्च बटन जो है सर्च बटन पे क्लिक करके नीचे बॉटम में होम सर्च प्रीमियम माई लिस्ट मोर करके ऑप्शन आते हैं, वहाँ सर्च पर क्लिक करके कौन बनेगा करोड़पति अगर आप लिखते हो तो भी कौन बनेगा करोड़पति का इस साल का बैनर आ जाएगा। मैं अभी ये रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ, अभी आपको शायद स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, इस बार ब्लू इंटरफेस है और हिंदी और इंग्लिश, बस अभी आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी एक लैंग्वेज का चयन करना है। मैं इंग्लिश को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो राइट बटन पे क्लिक करना है, फिर कुछ बैनर आ गया और फिर आपको अभी जो स्क्रीन दिख रही है बिल्कुल इसी तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी। आपको क्लिक टू रजिस्टर पर क्लिक करना है, हिंदी में क्लिक टू रजिस्टर की जगह पर रजिस्टर करने के लिए यहाँ क्लिक करें ऐसा कुछ होगा, और यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि हम यहाँ पर क्लिक टू रजिस्टर पर क्लिक करके यानी कि रजिस्टर करके जो भी हम कौन बनेगा करोड़पति की टर्म्स एंड कंडीशंस मतलब नियम एवं शर्तें हैं उनको हमारी मतलब उनको उनसे हम सहमत है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर अगर बैक बाकी के ऑप्शंस जो है उसको भी एक बार देख लेते हैं। बैक टू सोनी लिव में अगर हम जाएंगे तो सोनी लिव का होम स्क्रीन खुलेगा। इंस्ट्रक्शन वीडियो में अब पता नहीं क्या दिया है, मेरे ख्याल से प्रमो होगा शायद, मैं एक बार देख लेता हूँ। प्रमो अगर होगा तो फिर कोई काम का नहीं है क्योंकि हम देख चुके हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब कि नियम एवं शर्तें, ये भी मैं इसके पहले बता चुका हूँ। और फैक्स जो है FAQs वो जो है
वो भी कल मैंने अब एक ही वीडियो, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस और एपीक्यूज लगभग सेम ही है, सिर्फ इतना है कि एपीक्यूज में प्रश्न और उत्तर के फॉर्म में बताया हुआ है और शॉर्ट में है, और रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी कि नियम एवं शर्तें जो है वो डिटेल में है। तो उस पर हम कभी बाद में बातें करेंगे, जरूरी जो भी था वो कल आज जो वीडियो पब्लिश हुई थी उसमें जो है पब्लिश मैंने मतलब कुछ बता दिया था। इंस्ट्रक्शन वीडियो में क्या है एक बार देख लेते हैं। कौन बनेगा करोड़पति के सीजन के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपका स्वागत है। इस बार केबीसी के हॉट सीट तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, जरा ध्यान से सुनिए और देखिए। केबीसी रजिस्ट्रेशन के लिए पहला कदम है सोनी लिव ऐप पर अपने बारे में कुछ सवालों के जवाब देकर रजिस्टर करना। सबसे पहले आपको चुननी है अपनी पसंदीदा भाषा जिसमें आप सवालों के जवाब देना चाहते हैं। आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, उम्र, आप किस राज्य में रहते हैं और क्या आप स्नातक यानी ग्रेजुएट है ये बताना है। इसके साथ ही आपको इस बार अपने कार्य क्षेत्र के बारे में भी बताना है। सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और सही श्रेणी को चुनिए। यदि आपको लगता है कि आप इनमें से किसी भी श्रेणी या कैटेगरी में नहीं आते तो अदर्स अथवा अन्य ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। ध्यान रहे कि इन सवालों के जवाब आपके हॉट सीट तक पहुंचने के सफर में एक महत्वपूर्ण कदम है, इसलिए सारी जानकारी सोच समझ कर और पूरी ईमानदारी के साथ भरिए। खास ध्यान रखें कि आपका मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अगले पड़ाव के लिए चुन लिए जाते हैं तो हमारी टीम इस नंबर पर आपसे संपर्क करेगी। एक बार दी गई जानकारी को बाद में बदला नहीं जा सकेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों अभी अगर आपने जैसा कि इंस्ट्रक्शन वीडियो में तो बहुत अच्छे से सब कुछ लगभग समझा दिया है, मतलब अभी यही चीज़ हम करके देखेंगे। रजिस्टर करते वक्त यहाँ पे एक चीज़ नहीं बताया कि इसके रजिस्ट्रेशन के बाद में सवाल आता है, सवाल का भी उत्तर देना है, वो नहीं दिया है। खैर अभी यहाँ पे जैसा कि आपने पूरी वीडियो मैंने प्ले करके दिखाया, आपने देखे भी होंगे, तो सब कुछ लगभग जानकारी बताया। मैं क्लिक टू रजिस्टर पर क्लिक कर देता हूँ और जो भी जानकारी बताया था उसको फटाफट देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने अभी वो हमने वीडियो देखे, उस वीडियो में भी अभी आया ही था, तो सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज चयन करना है। लैंग्वेज के बाद क्लिक टू रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले मोबाइल नंबर चयन कर, मतलब यहाँ पे एंटर करना है, और मोबाइल नंबर हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि आगे हम अगर हम शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं, तो उसी नंबर पर हमको कॉल वगैरह आता है, जैसा कि आपको जानकारी है ही, तो करके मोबाइल नंबर एकदम सही तरीके से आपको भरना है। मोबाइल नंबर +91 पहले से लिखा है, इसके बाद में आपको 10 डिजिट जो है आपके फ़ोन के वो फ़ोन नंबर के वो लिखना है और फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। एक बार मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको अपना जेंडर यानी कि लिंग एंटर करना है। अगर आप पुरुष है तो मेल, फीमेल या अदर, इन तीन में से, पुरुष है तो मेल, स्त्री है तो फीमेल और अन्य है तो अदर, इनमें से जो भी आपको अप्लाई होता है उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। मैं मेल पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको एंटर करना है उम्र, और दोस्तों यहाँ पे मैं जो इंस्ट्रक्शन या सूचना दे रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन से रजिस्टर करते वक्त यहाँ पे जो भी एज है वो ग्रुप में बांटी गई है, 18 से 30, 31 से 40, 41 से 50 और 51 से ज़्यादा। परंतु आप अगर यही चीज़, जैसा कि मैं शुरुआत में भी कह चुका हूँ, आप रजिस्ट्रेशन सोनी लिव ऐप से ही करो, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप SMS के माध्यम से भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, और उस वक्त आपको KBC स्पेस आप का जो भी उत्तर है वह उत्तर, उसके बाद स्पेस देकर आपकी उम्र एंटर करनी है। उम्र तो ऑब्वियसली आप ऐप से करो चाहे SMS से करो, आपको 9 अप्रैल 2022 यानी कि आज जितनी उम्र आपकी पूर्ण है उतनी ही उम्र एंटर करनी है। ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ पूर्ण उम्र। अगर मान लो आप 29 साल के हो और 30 साल का होने के लिए अब बस कल अगर होने वाले हो, सपोज़ 10 तारीख को भी अगर आप 30 साल के होते हो रहे होंगे तो भी आप SMS भेजते वक्त 29 ही लिखेंगे, 30 नहीं। और अगर मान लो आप 9 तारीख को आपका बर्थडे हो चुका है, आप 30 साल पूरी कर चुके हो, तो आपको 30 लिखना है। आप, आई होप मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपकी जितनी उम्र पूरी हुई है, आपने जितने जन्मदिन मना ली है, इस तरीके से आप सोचिए, तो उतनी उम्र आपको एंटर करनी है। यहाँ पे तो एज ग्रुप है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेरे केस में 18-30 चूज़ कर रहा हूँ। हाँ, परंतु यहाँ पे क्योंकि अगर मान लो 25 वाला जो है उसको भी 18-30 में ही आएगा, 19 वाला भी इसी ग्रुप में आएगा, और
30 वाला भी इसी ग्रुप में आएगा। परंतु अगर आप SMS से उत्तर दे रहे हो तो आपको वहाँ पे 18 टू 30 ऐसा ग्रुप नहीं है, वहाँ पे आपको एग्जैक्ट आपकी जो भी कंप्लीट उम्र है वो एंटर करनी है करके आप, मैंने बताया कि आपको 9 अप्रैल 2022 को तक आपने जितने भी जन्मदिन पूरे कर लिए, जितनी उम्र आपकी कंप्लीट हुई है, वो नंबर आपको एंटर करना है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे बोला है कि टेल अस अबाउट वेयर यू लिव, आप जिस भी शहर में रहते हैं उसका नाम या वो उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मुंबई दिल्ली वाले पहले ऑप्शन को चूज़ करेंगे, गुजरात दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव वाले सेकेंड ऑप्शन को चयन करेंगे। मान लो महाराष्ट्र में ही किसी अन्य, महाराष्ट्र के किसी अन्य जिले में, मतलब मुंबई को छोड़कर बाकी जिलों में अगर महाराष्ट्र में कोई रहता है या फिर गोवा में कोई रहता है तो तीसरे ऑप्शन को चयन करेगा। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश राजस्थान जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले चौथे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाले पांचवा, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बिहार झारखंड वाले छठवा, वेस्ट बंगाल उड़ीसा असम सिक्किम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो भी है वो अगला ऑप्शन, और उसके बाद अगर इनमें से कहीं नहीं और कहीं और ही अगर कोई रहता है भारत में तो फिर आखिरी ऑप्शन को चयन करना है। मेरे कंडीशन में मैं महाराष्ट्र में ही रहता हूँ पर मुंबई में नहीं रहता करके मैं तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र एक्सेप्ट मुंबई वाला चयन करके नेक्स्ट दबा रहा हूँ। इसके बाद बोल रहा है क्या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। अगर आप स्नातक हैं दसवीं, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट अगर कर लिए हो 12वीं के बाद, तो बी ए बी कॉम वगैरह कंप्लीट अगर किए हो तो आपने यस सिलेक्ट करना है। अगर आप कंप्लीटेड नहीं है तो आपको नो सिलेक्ट करना है। मेरे कंडीशन में यस अप्लाई है करके मैं यस सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज बेस्ट डिस्क्राइब यूर वर्क, इनमें से किस प्रोफेशन में आप है, आपका आपका ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन क्या है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सिलेक्ट करना है या फिर आर्म्ड फोर्सेस में अगर होते हो तो भी। सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आपका स्वयं रोजगार है या आप बिजनेसमैन वगैरह है एंटरप्रेन्योर तो आपको सेकंड ऑप्शन। फिर IT BPO लीगल एंड फाइनेंशियल सर्विस, टीचर स्टूडेंट रिसर्चर और साइंटिस्ट, या टीचर का एक अलग ऑप्शन दिया है। अब मेरे कंडीशन में मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। आप खैर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, मतलब मेरी अगर मैं बात करूँ तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी हूँ पर साथ में टीचर भी हूँ। अब जब टीचर का डेडिकेटेड ऑप्शन है तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट एम्प्लॉई की जगह पे मेरे ख्याल से मेरे जैसों ने टीचर यहाँ पे सिलेक्ट करना ज़्यादा उचित है। आप में से भी काफ़ी सारे टीचिंग प्रोफेशन के होंगे। वैसे देखा जाए तो जो भी सरकारी कर्मचारी है और शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं तो उन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉई चूज़ करना चाहिए। मैं उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करने वाला था बट यहाँ पे जब टीचर का ऑप्शन अलग है तो मेरे ख्याल से टीचर वाला ज़्यादा परफेक्ट है। उसके बाद फार्मर या किसान वगैरह है आप तो अगला ऑप्शन है। डॉक्टर या हेल्थ सर्विस वाले के लिए अगला ऑप्शन है। ट्रैवल टूरिज्म या फैशन और रिटेल में कोई काम करने वाला होगा तो उसके लिए एक ऑप्शन है। और इनमें से कहीं कोई अगर नहीं होगा, होम मेकर होगा, आर्टिस्ट होगा, डेली वेज अर्नर होगा, मजदूर वगैरह, तो उनके लिए आखिरी ऑप्शन है। तो मेरे कंडीशन में एक्चुअली अप्लाई ये हो रहा है बट मैं इसको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टीचर ऑप्शन अलग से है तो मैं टीचर वाला सेपरेट डेडिकेटेड ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब बस ऐसा नहीं होने को ना कि टीचर मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट एम्प्लॉई यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉई, वैसे आर्म फोर्सेज भी दिया है तो हमारा उससे कोई संबंध है नहीं। चलो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों आपने एक चीज़ देखे होंगे कि ये जो कुल प्रोसेस मैंने बताया, म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट, ये जो भी जितने भी प्रोसेस मैंने बताया वो ये एक्चुअली क्या है कि एप्लीकेशन से जब हम रजिस्टर कर रहे हैं तो हमको हमारे प्रोफेशन, हमारा ग्रेजुएशन और हमारा पता, ये तीन चीज़ें हमको अतिरिक्त देनी है। परंतु आप SMS के माध्यम से जब आप उत्तर देते हो तो आपको ये सब जानकारी नहीं देनी, आपको बस अपना मतलब KBC का कोड, KBC स्पेस स्पेस देने के बाद आपका उत्तर, उत्तर देने के बाद में आपको स्पेस देंगे ABCD जो भी एंटर करना है उसके बाद, और आपकी उम्र एंटर करेंगे, मतलब उम्र और जेंडर, बस इतना ही आप भेजते हो। आप बाकी जो भी चीज़ें हैं पता और बिजनेस और ग्रेजुएशन की जानकारी, वो जानकारी हमको सिर्फ एप्लीकेशन से ही रजिस्टर करते हुए मांगते हैं, अन्यथा नहीं मांगते। तो आपको इस तरीके से रजिस्टर करना है। अब यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट ऑन 9 अप्रैल 9 PM, मतलब आज रात के 9 बजे रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। तो पहला सवाल जो आएगा वो 9 अप्रैल को 9 बजे आएगा। दोस्तों जिन लोगों ने अभी मैंने ये रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो इसके बाद मैं बैक बटन अगर क्लिक भी करता हूँ और फिर से अगर KBC पर क्लिक टू रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ या रजिस्टर करे पर क्लिक करता हूँ तो मुझे रात 9 बजे सीधे क्वेश्चन दिखेगा आज का जो भी होगा वो। और अगर मान लो आपने अब तक अगर रजिस्टर नहीं करे हो और रात के 9 बजे अगर पहली बार ऐप खोलोगे तो आपको सीधे प्रश्न नहीं दिखेगा, आपको पहले ये पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको प्रश्न दिखेगा। अभी क्योंकि प्रश्न पूछा जाने को है करके
जो है सीधा रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया है, परंतु क्वेश्चन जो है वो रात के 9 बजे पूछा जाएगा करके जानकारी दी है। आई होप दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। जब रात 9 बजे प्रश्न पूछा जाएगा, उसके बाद आज के प्रश्न का सटीक उत्तर, और बाकी चैनल जैसे हम सिर्फ प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे बल्कि उस उत्तर के बारे में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 5-7 मिनट की वीडियो बने और उसमें उस प्रश्न और उत्तर के बारे में, ऑप्शंस के बारे में कुछ चर्चा भी करें। मतलब कि सिर्फ उत्तर ना दे बल्कि कुछ अतिरिक्त जानकारी भी आप तक साझा हो जाए, आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी हम हमारे वीडियो के माध्यम से दे, ये हमारी कोशिश जरूर रहेगी। तो फिलहाल तो मिलते हैं रात 9 बजे के बाद जब प्रश्न आएगा तब। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप ऐसी अपडेट और आगे के सभी प्रश्नों के डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अगर उत्तर जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।